मैंने लास्ट टाइम वीडियो में 13.1 पढ़ाया था, जिसमें क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करवा दी थी। आज मैं क्वेश्चन 6 सॉल्व कराने जा रही हूँ, 6 से आगे सॉल्व कराऊँगी। तो 6 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इन अ शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल विथ टू हेमिस्फीयर स्ट्रोक टू ईच ऑफ द एंड। यानी कह रहा है कि ये एक कैप्सूल है, ठीक है, दिख रहा है कि एक कैप्सूल है। इस कैप्सूल को कह रहा है कि बीच वाला पार्ट जो है, इसका बीच वाला पार्ट जो है वो सिलेंड्रिकल है, और दो पार्ट, दो छोटा छोटा, ये इधर और इधर का पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर है। उसके बाद ये यही कह रहा है, इसमें कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, फाइंड दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसमें टोटल लेंथ क्या दिया हुआ है कैप्सूल का, 14 मिलीमीटर में दे दिया है, और उसका यहाँ से यहाँ तक के विड्थ इसके कितना दे दिया है, 5 मिलीमीटर। ओके, तो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है, आप देखो ये फिगर है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डी कितना दे दिया है, 5 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5, तो सिलेंडर के लिए भी डी हो जाएगा एंड हेमिस्फीयर के लिए भी डी हो जाएगा, जो रेडियस निकल के आ जाएगा 5/2 मिलीमीटर। हाइट कितना दे दिया है, 14। अगर सिलेंडर के लिए बोलूँ, सिलेंडर के लिए हाइट निकालूँगी तो 14 में माइनस करूँगी, इधर से 2.5, इधर से 2.5, यानी 5 को माइनस कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, 9 मिलीमीटर। ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो दो हेमिस्फीयर है तो एक हाफ हेमिस्फीयर को निकाल के डबल कर दूंगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर ये हेमिस्फीयर एकदम सेम होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5, इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2.5। तो लिख सकती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर्स प्लस 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हो गया 2 हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2π r² कर्व सरफेस का, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 2π r h। मैं फॉर्मूला सारा बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, ये हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन कर लेती हूँ, देखो 2π r तो कॉमन कर लेती हूँ, 2π r, इधर क्या बचेगा, 2 r, प्लस इधर बच जाएगा h, 2, इसको लिख सकती हूँ 22/7 इंटू, इसको लिख सकती हूँ 5/2। 2 r का मतलब हो गया d, यानी 5 और h दिया 14, 5 और 14, इसको लिख सकती हूँ 5 प्लस h का वैल्यू, इन h का वैल्यू 9 आया है, तो ये हो गया 9। यहाँ से अगर मैं सॉल्व, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, 22/7 इंटू 5 इंटू, इस दोनों को ऐड कर दूँगी तो 14 आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टैप। एक सिलेंडर शेप का है, टेंट है, उसके ऊपर क्या है, कोनिकल यानी कोन के शेप का दिया हुआ है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पाथ 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी हाइट पहले है तो हाइट दे दिया 2.1 मीटर, एंड डायमीटर है तो डायमीटर दे दिया है 4,
मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंड हाइट ऑफ द स्लैंड हाइट भी इसमें गिवन ही दे दी है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैंप यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ओके, पहले एरिया फाइन करना है, उसके बाद ना इसका कॉस्ट भी निकालना है। कॉस्ट में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट में दिया हुआ है कि 500 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे दिया है, 500। पहले मीटर स्क्वायर में इसका हम एरिया फाइन कर लेते हैं, कट सरफेस एरिया। तो इसके बाद इसका क्या कहते हैं, कॉस्ट भी निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। देखो ये फिगर बनेगा, मतलब ये नहीं, ये क्वेश्चन उधर का, ये फिगर बनेगा। तो इस फिगर में क्या कह रहा है, ये स्लैंड हाइट दे दिया कौन का, 2.8 मीटर। हाइट दे दिया सिलेंडर का 2.1 मीटर। डायमीटर दे दिया है 4 मीटर। तो जो डायमीटर इसका होगा वही डायमीटर इसका भी होगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। डी दे दिया है 4 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, हाइट कितना दे दिया सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट दे दिया है 2। ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का हाइट दे दिया है 2.1 मीटर। और एल, एल तो जाहिर सी बात है कौन का ही होगा, तो वो कितना दे दिया है, 2.8 मीटर। ठीक है, इसमें क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है एरिया ऑफ द कैनवास। ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का एंड कर्व सरफेस एरिया कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले लिख देती हूँ, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हो जाएगा यही होगा। अब देखो का वैल्यू डाल देती हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर एल, प्लस इसका होता है 2 पाई आर एच। इसको सॉल्व करूँगी तो इसका हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू एल का वैल्यू दे दिया है 2.8, प्लस 2 इंटू 22/7 22/7 इंटू आर का वैल्यू दे दिया है 2 इंटू एच का वैल्यू दे दिया है 2.1। ठीक है, काटती हूँ, इसको कट करूँगी तो 0.4, इसको कट करूँगी तो 0.3। अब देखो ये 0.4 है, ये 44 हो जाएगा, 44 को 4 से 0.4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 22 इंटू 2, तो 44 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 है लास्ट में, तो 6 पॉइंट एक लगाऊँगी या 17, यानी 17.6 आ जाएगा। प्लस इसका करूँगी तो आ जाएगा 4 3, तो इसको सॉल्व करूँगी तो 26.4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कर दूँगी तो 44 660, तो पॉइंट था इधर 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 7 कैरी 1 था, 7 7 14 का 4 कैरी 1 2 2 4, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4। एक सिलेंडर शेप का है जो सॉलिड है, पूरा पैक है, मतलब अंदर अंदर खाली नहीं है, पूरा पैक है, जो जिसका हाइट क्या दे दिया है, 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे दिया उसका 1.4 सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी बनाया गया है उतना ही हाइट का
अनसेन डायमीटर कट करके उसमें से निकाल दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का, तो फिर सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं इसको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। देखो क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, मैं एक सिलेंडर बना दी। इस सिलेंडर का क्या कह रहा है, हाइट दे दिया है। कितना हाइट दे दिया है इस सिलेंडर का, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना दे दिया है, डायमीटर दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। उसके बाद इसको ना, ये सॉलिड है पूरा पैक, कहीं से मतलब अंदर से खाली नहीं है, अंदर से भी पैक है। उसके बाद इसको ना एक ना कोनिकल शेप में कट कर दिया गया, कट करके ये वाला पार्ट को अंदर से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। तो अब ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाले, ये वाला पार्ट, ये खाली हो गया, कोनिकल शेप में हो गया तो खाली हो गया है। तो इसका यही इससे हाइट इसका क्या है, सेम इतना ही हाइट है, और इसका डायमीटर भी उतना ही है जितना ये सिलेंडर का डायमीटर है। तो बोल रहा है क्या कि अब निकालने के बाद जो भी पार्ट जैसा शेप बन गया उस शेप का, अब उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि ये कोनिकल पार्ट वाला भी आ जाएगा ना, कोनिकल पार्ट भी आ जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये वाला जो कोन है, ये कोन कह रहे हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और प्लस ये सर्किल का एरिया निकालेंगे क्योंकि ये वाला भी तो सॉलिड है। उसके बाद फिर कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, पहले वो लिख लेती हूँ। दिया हुआ है हाइट, दोनों का हाइट सेम होगा 10 सेंटीमीटर, तो मैं हाइट ही के फॉर्म में लिखती हूँ। डायमीटर दे दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा 1.4/2, तो इसको लिख सकती हूँ 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका लैटरल हाइट तो नहीं दिया हुआ कोन का, तो लैटरल हाइट निकालूंगी। इसका डायमीटर दे दिया है ना, हाइट दे दिया है, तो निकालने के लिए रूट अंडर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, यही आएगा। इसको सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा 576, इसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर, दो नंबर बाद पॉइंट, क्योंकि उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 दोनों में आ जाएगा, आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 7 का हो जाता है 49, 0.7 × 0.7, तो इसीलिए दो नंबर बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करूंगी तो आ जाएगा 625, एक दो नंबर बाद पॉइंट, तो ये किसका होता है 25 का, बाहर निकलेगा एक नंबर बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर में। तो ये क्या निकला, लैटरल हाइट निकला, किसका, कोन का, कोन का लैटरल हाइट निकल गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में टोटल कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया नीचे वाला पार्ट का, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वैल्यू डालती हूँ 2πRh प्लस πr² प्लस πrL। अब देखो 2 × 22/7 × 0.7 × 2.4 प्लस 22/7 × आर का वैल्यू 0.7 × 0.7 हो गया, प्लस इसका डालूंगी 22/7 × 0.7 × एल का वैल्यू अभी आया 2.5, ये ऊपर में है। इसको सॉल्व करती हूँ, इसको सॉल्व करूंगी तो ये, इसको काटूंगी तो 0.1 बार में कट जाएगा, हो गया, और कटेगा अब नहीं, अब सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी 44 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी सेम आएगा, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगी
2.4 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी ऐसे लिख सकती हूँ 44 इंटू 0.24, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 24 आएगा, एक दो नंबर बाद पॉइंट, एक दो नंबर बाद पॉइंट, प्लस इसको भी काटूँगी तो 0.1 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, सबको कर देती हूँ, 7 को इसको करते हो, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 150, एक इसका दो नंबर बाद पॉइंट, तो एक दो नंबर बाद पॉइंट प्लस। फिर इसको सॉल्व करूँगी तो ये वाला इससे 0.1 बार में कटेगा, अब ये तो इतना ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, 5 25 2 1 मिनट, मान लो ये 25 है, दो नंबर बाद पॉइंट बाद में दे दूँगी, पर 25 2 10 0 कैरी 5, 25 2 50 0 कैरी 5, 25 2 50 कैरी 5 55, इसका एक नंबर और इसका एक नंबर, दो नंबर बाद पॉइंट, यानी क्या आ गया 5.50, कितना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 10.56 प्लस 1.54 प्लस 5.5, 0 भी दे सकती हूँ, सबको ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 17.60 ठीक है। ये हो गया, तो इसी को अप्रॉक्स में भी निकालना है तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या ही रहा है, नियरेस्ट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, नियरेस्ट। एक मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो बताई हूँ तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल के छोड़ दी हूँ, कॉस्ट तो निकाल ही नहीं हूँ, मैं उसका कॉस्ट बता देती हूँ। सब कुछ मेरा सही है, क्वेश्चन नंबर सेवन में कॉस्ट बोल रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस्ट बोल रहा था तो मेरे एरिया कितना आया, 44 मीटर स्क्वायर आया। अब कॉस्ट निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे दिया है, 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालने के लिए 500 से मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ दी, इसको लिख सकती हूँ कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट, ठीक है। टेंट का कह रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 दे दिया है, मेरे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया, 44, मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 22, एक ये बाकी का 20, इतना पेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कॉस्ट छोड़ दी थी, आप लोग देख लीजिए बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेवन भी बता दी, क्योंकि अप्रॉक्स में निकालना था तो 17.6 के 6 को किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 18 के नियरेस्ट, तो इसका ये आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल्स वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर, ऐसा दिखाया गया, ठीक है। ये फिगर इसमें दे ही दिया गया है, इसमें कह रहा है हाइट ऑफ ए सिलेंडर दे दिया 10 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ रेडियस दे दिया इतना, फाइंड द टोटल सरफेस, ये एक दिया हुआ, इसको ना एक वुडन का है और हेमिस्फीयर से दोनों एंड पे इसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया बाहर, इसको निकाल दिया गया, इसमें से भी दोनों में से बाहर इसको निकाल दिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा उसका क्या कह रहा है, सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो जैसे अभी मैं 8 क्वेश्चन बताई हूँ कोन के शेप में था, लेकिन अब क्या है, हेमिस्फीयर के शेप में,
तो उसका निकालना है, तो निकाल लेती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया हुआ है। देखो हाइट क्या दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकलेगा प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये निकलेगा सिंपल। तो आप इसमें डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 2πRh प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का होता है 2πr², 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू दे दिया है 3.5 × 10 प्लस 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। अब देखो 10 से 10 कैंसिल 5 बार में, इसका भी पॉइंट बढ़ाऊंगी 10, इसका भी पॉइंट बढ़ाऊंगी 10, 7 टू बार में, इसका 2 इससे कैंसिल, इसको भी 5 × 2 = 10 यहाँ करूँगी तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 14। अब नहीं कटेगा, ये 2 से ये 2 कट गया, नीचे सब ख़त्म, ऊपर में इसमें 7 है और 22 है, और यहाँ पे 22 × 5 = 10। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 10, 10 को 20 से मतलब 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 220 प्लस, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, 7 × 2 = 14, 4 × 7 = 14, 150। इसको ऐड करूँगी तो 374 cm². इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। अगले दिन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आऊँगी। थैंक यू।